सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 11 अक्टूबर। भगवान के समीप वास रखने पर वासना रहती ही नहीं। कोई मनुष्य दुष्ट निकला तो पिछले जन्म में वो कसाब होगा, ऐसा हम कहते हैं, परंतु ये बराबर नहीं। मनुष्य का जन्म वासना से ही होता है, कर्म से नहीं। इसलिए कर्म को टालना नहीं चाहिए, उसके पीछे की वासना टालनी पड़ती है। कर्म ये कभी भी बाधक नहीं होता, उस कर्म का हेतु बाधक होता है। अफसर के आगे सिपाही चलता है और कैदी के आगे भी, परंतु इसमें जो अंतर है वही अंतर संतों की और हमारी वासना में होता है। हम वासना रूपी खाद विषयों में डालते हैं और विषयों में ही उलझ कर रह जाते हैं। वासना का क्षय सत्संग बिना नहीं होगा। संगत का परिणाम मन पर होता है। वासना की तृप्ति दूसरे किसी भी उपाय से नहीं होगी। यदि हम भगवान के निकट वास रखेंगे तभी वो नष्ट होगी। वासना यानी विषयों के निकट वास ना, अर्थात वास नहीं। सुबह से शाम तक और रात तक वासना के कारण सारे कर्म एक दूजे में उलझ गए हैं। बूढ़े और जवान, इन सभी की वासनाएं एक जैसी हैं। मैं अब उकता गया हूं ऐसा कहा तो भी वासना हमें नहीं छोड़ती, और देह छोड़ते समय भी वासना हमारे साथ आती है। परमात्मा जिस तरह चिरंजीव है वैसी वासना भी चिरंजीव है। वासना की या चाहत की तीन अवस्थाएं हैं, एक आस, दूसरी हवस और तीसरी ध्यास। आस यानी वस्तु की केवल चाहत होना, हवस में वो वस्तु सदैव अपने ही पास हो ऐसा लगना, और ध्यास में उस वस्तु के बिना कुछ दूसरा सूझता ही नहीं। बड़ा पेड़ तोड़ना हो तो उसकी ऊपर की डालियां हम पहले तोड़ते हैं और बाद में तने को काटते हैं। उसी तरह हमारी वासना का पेड़ तोड़ने के लिए उसकी चाहत की डालियां पहले तोड़ें और फिर अंत में वासना को मारें। हमें जो मांगना है वो भगवान के पास मांगे, और उन्होंने नहीं दिया तो वो ना देना ही हमारे हित में है ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी, और उसी से वासना मरेगी, और वासना नष्ट होने पर बुद्धि भगवत स्वरूप होगी। कुछ भी ना करते हुए मिल जाए, इतना परमार्थ आसान है क्या? उसके लिए कम से कम बुरी वासना को तो मारना ही चाहिए ना, और अच्छी वासनाएं भी जो नीति धर्म के अनुसार होंगी उतनी ही हम भोगें। धनवानों की आवश्यकताएं मरते दम तक पूरी नहीं होती, क्योंकि उनकी वासनाएं अधिक होती है। समय हमें आशा में उलझा कर रखता है और अंत तक सुख ना देते हुए हमारे जीवन को खत्म करता है। जो जीते जी वासना रहित रहा उसे सुख दुख नहीं होता। हम अपने ही घर में मेहमान की तरह बर्ताव करें, ऐसे रहने से वासना क्षीण होगी। राम करता ये भावना रखकर नाम स्मरण में रहने का प्रयास करें, यानी वासना का डंख समझो टूट ही जाएगा। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।